हेलो फ्रेंड्स, दिया और मम्मा की रसोई में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बनाएंगे बहुत ही सिंपल नाश्ता पोहा। इसे बनाना बहुत आसान है और इसमें बहुत सारी वेजिटेबल ऐड होने की वजह से ये बहुत ही हेल्दी भी होता है। तो चलिए बिल्कुल देर ना करते हुए हम देखते हैं इसे बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। तो पोहे को बनाने के लिए यहाँ पर सबसे पहले मैंने एक बाउल में ले लिया है पोहा, साथ में मैंने कुछ अपनी पसंदीदा वेजिटेबल लिए हैं जिसमें है टमाटो, ऑनियन, पोटैटो, एक कैरेट और कुछ पीस बीन्स के। तो आप अपनी पसंद के और भी वेजिटेबल इसमें ऐड कर सकते हैं या इसमें से कुछ भी अगर आपको पसंद नहीं है तो उसे स्किप भी कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम सबसे पहले अपने पोहे को वॉश करेंगे। तो आपने ध्यान रखना है हमेशा थोड़ा मोटी साइज का पोहा लेना है ताकि जब हम इसे वॉश करें तो ये आपस में चिपके ना और प्रॉपर तरीके से वॉश हो, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें। तो सबसे पहले हम एक स्ट्रेनर लेंगे और उसमें अपने पोहे को डालकर एक ग्लास इसमें पानी ऐड करके इसको वॉश करेंगे ताकि इसमें जो भी स्टार्च है वो हट जाए और ये अच्छे से पानी को सोख कर फूल जाए। इससे क्या होगा कि आपका जब हम पोहा बनाएंगे तो ये बनाने के बाद बहुत ही सॉफ्ट बनेगा। तो सबसे पहले हम अपने पोहे को वॉश कर साइड में रखेंगे। तो आप देख सकते हैं हमने इस तरीके से इसमें से सभी एक्स्ट्रा पानी निकाल दिया है और अब हम इसे साइड में रखेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम अपनी जो हमारी वेजिटेबल है इसको चॉप करेंगे। आप अपने पसंदीदा शेप में इसे चॉप कर सकते हैं, मैं यहाँ इसे मीडियम साइज में कट कर रही हूँ। तो आप देख सकते हैं हमारी वेजिटेबल भी चॉप हो गई है। नेक्स्ट स्टेप में हम इसमें ऐड करेंगे कुछ स्पाइसेस। यहाँ मैंने एक ग्रीन चिली ली है, कुछ पत्ते कड़ी पत्ते के लिए है, जीरा लिया है, पीली सरसों ली है, हींग ली है और हल्दी पाउडर लिया है। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप में लेंगे एक पैन और इसमें हम ऐड करेंगे मस्टर्ड ऑयल। मैं यहाँ मस्टर्ड ऑयल का यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल का यूज़ भी कर सकते हैं। जैसे ही हमारा ऑयल गर्म हो जाता है हम इसमें ऐड करेंगे अपने जीरे को। आप ध्यान रखिएगा ऑयल अच्छे से गर्म हो तभी आप जीरा ऐड करें। नेक्स्ट स्टेप में हम इसमें ऐड करेंगे अपनी पीली सरसों को और जब ये अच्छे से रोस्ट हो जाए तो हम इसमें ऐड करेंगे हींग। जी हाँ, नेक्स्ट स्टेप में हम इसमें ऐड कर देंगे अपनी हरी मिर्च। ये कम ज़्यादा आप अपने टेस्ट के अनुसार कर सकते हैं। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे कड़ी पत्ते को और इन्हें अच्छे से भूनेंगे यानी रोस्ट करेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसमें ऐड कर देंगे अपने आलू को। जी हाँ, मैं पहले आलू को रोस्ट करती हूँ क्योंकि अगर आप पहले प्याज को रोस्ट करेंगे तो हमारे जब तक आलू प्रॉपर रोस्ट होंगे तब तक प्याज जल जाती है। इसलिए आप इसके लिए ध्यान रखें कि पहले आप आलू को रोस्ट करें। इससे क्या होगा कि आपकी प्याज जलेगी नहीं और उसका अच्छा फ्लेवर पोहे को मिलेगा। तो अब बस हम अपने आलू को गोल्डन ब्राउन कलर आने तक भून लेंगे। आपने ध्यान रखना है इसी समय हम इसमें ऐड कर देंगे नमक। इससे क्या होगा हमारा आलू जल्दी से भुन जाएगा। तो बस अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और ढाक कर गोल्डन ब्राउन कलर आने तक भून लेंगे। आपने ध्यान रखना है आपने इसमें गैस की फ्लेम मीडियम रखनी है। तो आप देख सकते हैं हमारे आलू अच्छे से पक गए। अब हम इसमें ऐड कर देंगे अपनी बाकी बची हुई वेजिटेबल को और इसे प्रॉपर तरीके से मिक्स करेंगे। और जब आप इसे मिक्स करेंगे इसके बाद हम इसे ढाक कर इसे भी अच्छे से कुक कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारी सभी वेजिटेबल अच्छे से रोस्ट हो गई है और हमें इसे बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, बस हल्का कच्चापन रहना चाहिए। तो बस हम इसी तरीके से अपने सभी वेजिटेबल को हमने रोस्ट कर लिया। अब हम इसमें ऐड करेंगे स्पाइसेस। तो यहाँ मैं ऐड कर रही हूँ हल्दी पाउडर, इसे भी मिक्स करेंगे। ध्यान रखिएगा आपने अपनी गैस की फ्लेम बिल्कुल स्लो कर देना है जब आप स्पाइसेस ऐड करें तब। नेक्स्ट स्टेप में हम अपने वेजिटेबल में मिक्स करेंगे पोहे को। तो आप ध्यान रखिएगा आपने गैस की फ्लेम को कर देना है स्लो और अपनी वेजिटेबल में पोहे को मिक्स करना है। तो आप देखेंगे कि आपके पोहे का कितना सुंदर कलर आया है। इसके लिए आपने अपने वेजिटेबल में बहुत कम मात्रा में हल्दी पाउडर डालना है। तो बस अब हम अपने पोहे को ढककर कुछ सेकंड के लिए गैस पर छोड़ेंगे और साथ में करेंगे प्लेटिंग की तैयारी। इसके लिए मैंने लिए हाफ ऑनियन को बारीक चॉप कर लिया है, हाफ टमाटो को बारीक चॉप कर लिया है, साथ में मैंने धनिया और पुदीने के पत्तों को भी बारीक चॉप कर लिया है। इसके साथ मैंने लिया है हाफ नींबू, साथ में मैंने लिए कुछ पीस पीनट के और साथ में मैंने लिया है आलू भुजिया। तो नेक्स्ट स्टेप में हम चेक करेंगे अपने पोहे को। तो आप देख सकते हैं हमारा बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी पोहा बनकर तैयार हो गया है। ये कितना सुंदर दिख रहा है। तो बस अब हम करेंगे इसकी प्लेटिंग। तो इसे हम सबसे पहले एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसमें ऐड करेंगे हम आधे नींबू का रस।
साथ में हम इसमें ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ प्याज, बारीक कटा हुआ टमाटर, साथ में हम इसमें ऐड करेंगे पीनट्स, इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे हरा धनिया और पुदीने के पत्ते, साथ में हम इसमें डालेंगे आलू भुजिया। और ये देखिए आपका बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी पोहा बनकर पूरी तरीके से तैयार हो गया है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप इस पोहे को ज़रूर एक बार बनाकर ट्राई करें।